बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। सबसे पहले तो पेश की माजरत, सबसे मैं थोड़ा लेट हो गया, आज थोड़ी मीटिंग्स भी ज़्यादा थी और फिर हवेलिया डीआरसी का विज़िट था डीआईजी साहब का, तो उस वजह से थोड़ी देर हो गई। मीरपुर के तमाम आज़ीज़ीन, ट्रेडर्स के नुमाइंदे, हमारे मीडिया के भाई, एबटाबाद पुलिस के हमारे कुलीग एसपी इन्वेस्टिगेशन साहब, डीएसपी मीरपुर सर्कल साबिर साहब, डीएसपी इन्वेस्टिगेशन, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह मेरे कुलीग ने शुरू में कहा कि कुली कचहरी असल में एक मौका होता है जहाँ पे जो भी डिपार्टमेंट कुली कचहरी का इनेकाद करती है उनको अपनी परफॉर्मेंस का भी पता चल जाता है। जो मसाइल इलाके के होते हैं, मिसाल के तौर पे अगर वापडा वाले हैं उनको ये पता चल जाता है कि बिजली के क्या मसाइल हैं, अगर सुई गैस वाले हैं उनको ये पता चल जाता है कि गैस के क्या मसाइल हैं। और आप सबको पता है कि हमारा पुलिस का डोमेन एक ही है, हमारा ड्यूटी, हमारी जो ड्यूटी है, हमारा जो नज़्बुल ऐन है वो एक ही है कि माशरे में, सोसाइटी में, एक इलाके में अमन व अमान को बरकरार रखना, और उसके लिए जितनी भी कोशिशें होती हैं उसमें पुलिस का डे टू डे वर्किंग जो होता है उसका लाजमी तौर पे लोगों के साथ एक ताल्लुक, एक वाबस्तगी होती है। बाज़ औक़ात इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं कि लाजमी तौर पर लोगों की शिकायतें भी बन जाती हैं। तो एबटाबाद माशाल्लाह से, मैं हमेशा हर एक फोरम पे कहता आ रहा हूँ कि एक बहुत ही पुरामन इलाका है, गैरतमंद लोगों की सरजमीन है, एक रस्म व रिवाज रखती है, एक कल्चर रखती है, एक तारीख रखती है, और यहाँ के बासी जो हैं हमेशा से अमन पसंद रहे हैं। हम खैबर पख्तूनख्वा के जितने भी मिसालें दें, जितने भी इलाकों के, उसमें जितने भी हमारे डिविजन्स हैं, हमारी रेंज हैं, तो मैं बिल्कुल ये वसूख के साथ कहता हूँ कि हज़ारा जो हमारा रेंज है या हमारी जो डिवीज़न है वो सबसे पुरामन डिवीज़न है, और उसका क्रेडिट पुलिस से ज़्यादा आप लोगों को जाता है, क्योंकि आप लोग ख़ुद पुरामन लोग हैं, बाशऊर लोग हैं, तालीम याफ्ता लोग हैं, और बाशऊर होने के साथ साथ कानून पे अमलदारी करने वाले लोग हैं। तो ये पुलिस फोर्स की और पुलिस कमांड की बड़ी खुशकिस्मती होती है कि इस तरह के इलाकों में उनकी पोस्टिंग हो जहां पे जराइम की शरह दूसरे इलाकों की निस्बत कम होती है, तो हमारे लिए उस तरह का चैलेंज होता नहीं है। लेकिन आपको भी पता है, और हम छोटे होते थे तो हम गलियात आते होते थे या एबटाबाद, हमारे बड़े अजीज़ रिश्तेदार यहाँ पर सेटल थे तो उनके पास जब आना होता था तो एबटाबाद, मुझे 20 साल पहले अगर मैं जाऊँ, जब हम यूनिवर्सिटी में थे तो एबटाबाद छोटा सा शहर होता था। यानी मुझे अभी हैरत होती है जब मैं रोड, ये मानसेरा रोड या ये मरी रोड, उससे जब आता हूँ तो इतनी आबादियाँ बिल्कुल नहीं थी, और मैं अभी भी जब गाड़ी में आ रहा था और आज हमारी मीटिंग थी पीएमए में, तो मुझे बिल्कुल वेगली याद है जब ये स्कूल के टाइम में कि ये पीएमए के अंदर से सुजुकियाँ जाती होती थी और लोग इसके अंदर से क्रॉस कर रहे होते थे। लेकिन अब चूंकि आबादी कई गुना बढ़ गई है, हमारे चैलेंजेस बहुत बढ़ गए हैं। जिस तरह आप सबको पता है कि मेरे ख्याल में हज़ारा पे जलजले का ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, पोस्ट अर्थक्वेक जो है यहाँ की आबादी मेरे ख्याल में 10 गुना बढ़ गई है। नई नई सोसाइटियाँ आ गई हैं, नए नए मोहल्ले आबाद हो गए हैं, नए नए घर, आप कॉलोनियाँ आप देख रहे होंगे आबाद हो गई हैं, और उसके साथ साथ फाटा में और खैबर पख्तूनख्वा में वॉर ऑन टेरर के बाद बहुत से लोगों का इन्फ्लक्स इधर आ गया। पहले यही होता था कि जो लोग अपने बच्चों की तालीम के लिए एबटाबाद सेटल हो जाया करते थे, या उससे पहले अगर मैं जाऊं तो लोग अच्छी मौसम की खातिर वो एबटाबाद में सेटल हुआ करते थे कि बड़ा पुरामन शहर है, छोटा शहर है, पुरफिजा मकाम है, तो वो अब इधर एक प्लॉट ले लेते थे और इधर आबाद हो जाया करते थे। तो उसके बाद जिस तरह मैंने जिन चैलेंजेस का जिक्र किया कि जलजले के बाद 2005 और वॉर ऑन टेरर के बाद बहुत से लोगों का इन्फ्लक्स एबटाबाद की तरफ बढ़ गया,
और जो करीब आपकी पहाड़ी जितने भी देहात हैं, इसी तरह कोहिस्तान से लेके बटाग्राम और मानसेरा और जितने भी लोग हैं जिनको जितने भी इनका गुजर बसर के लिए जिनके पास पैसे थे, तो वो इधर एबटाबाद में उन्होंने प्लॉट ले लिया और घर बना के इधर आबाद हो गए। तो क्राइम का अपना एक इंटरनेशनल पैटर्न है और उसका पैटर्न ये है, और ये आप मुझसे एग्री भी करेंगे, इस पर बड़ी रिसर्च भी हुई है कि वहाँ पे जराइम कम ही होते हैं जहाँ पे होमोजेनियस सोसाइटी होती है, एक जुबान के बोलने वाले लोग जहाँ पे होते हैं, एक कल्चर वाले लोग होते हैं, तो वहाँ पे क्राइम कम होता है क्योंकि वो एक दूसरे को जानते होते हैं, उनका कल्चर उनका बूदोबाश एक तरह से होता है। क्राइम हमेशा परवान तब चढ़ता है जहाँ पे सोसाइटीज मल्टीलिंगुअल हो जाती हैं और मल्टीकल्चरल हो जाती हैं और मुख्तलिफ रस्म व रिवाज के लोग बसना शुरू हो जाते हैं, तो वहाँ पे क्राइम जो है वो फिर बढ़ जाता है। और बस चीज़ें हमारी बदकिस्मती हैं कि हमारे जो कल्चरल नॉर्म्स हैं वो भी हम भूल बैठे हैं। अब एक हमसाये को दूसरे हमसाये का पता नहीं होता, एक मोहल्ले में रहते हैं लेकिन महीनों तक एक दूसरे की शक्ल नहीं देख पा रहे होते हैं, और वो पहले जुमे की नमाज में लोग एक दूसरे के साथ मिल लिया करते थे, अब वो भी माशाल्लाह से वो ट्रेंड भी ख़त्म हो गया है। जो पहले एक जामिया मस्जिद हुआ करती थी पूरे देहात में एक, या पूरे एक शहर में एक, अब गली मोहल्ले में मस्जिद बन गई है, तो एक दूसरे से मिलना तो दरकिनार बिल्कुल एक दूसरे का पता ही नहीं होता। और जिस तरह मैंने कहा कि लोगों का इन्फ्लक्स हो गया है तो एबटाबाद की चैलेंजेस भी बढ़ गई हैं। वो क्राइम तो अपनी जगह अल्हम्दुलिल्लाह इधर इतना क्राइम जो मैं अगर पुलिसिंग की निगाह से उसको देखूं तो इतना क्राइम इधर है नहीं, छोटे मोटे क्राइम हो जाते हैं, कभी कोई डकैती हो जाती है घर में वो भी शाज़ो नादर, या कोई दुकान की हो जाती है या कोई और चोरी चकारी हो जाती है, उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह इधर क्राइम नहीं है। दो तीन बड़े मसाइल हैं जो मुझे अभी तकरीबन महीना पूरा होने वाला है, जो मेरे नोटिस में भी है और जो मेरे कुलीग्स ने इनिशियल ब्रीफिंग में भी मुझे बताया है और जो क्राइम पैटर्न से भी पता चलता है कि यहाँ पे एबटाबाद में माशी मसाइल तो अपनी जगह, माशरती मसाइल की वजह से जो जराइम दरपेश हैं हमारी सोसाइटी को या एबटाबाद पुलिस को जिनका सामना है, उसमें एक है मनशियात फरोशी। और चूँकि यहाँ पर आपको पता है कि बहुत ज़्यादा स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटियाँ हैं, कॉलेज हैं, और ये जो मनशियात फरोशी तभी परवान चढ़ती है जब, और ये हिट करती है सिर्फ नौजवान नस्ल को, और चूंकि आपको जिस तरह पता है कि यहाँ पे स्कूलों में, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में नौजवान ही पढ़ते होते हैं, तो वो मनशियात फरोशी के अड्डे जो हैं अनफॉर्चुनेटली पिछले चंद सालों में एबटाबाद में मुख्तलिफ जगहों पर परवान चढ़े। और मेरी पहली एफर्ट यही है अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरी टीम ने बहुत ही अच्छा काम ये पिछले एक महीने में उसके ऊपर किया है कि हम कोशिश करेंगे कि एबटाबाद को ड्रग फ्री सोसाइटी बनाएं। ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है और इंशाल्लाह इस पे मेरी अपनी काविश है। आप सोशल मीडिया के थ्रू और प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू आप देखते होंगे कि मेरी हमेशा एक डायरेक्शन अपनी टीम को रही है कि इसमें आप जेन्युइन जो सेलर हैं, जो बेचने वाले हैं, उनके पीछे जाए, ना कि वो जो पीने वाले हैं आप उनको पकड़ते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमारे पर्चे तो ज्यादा हो जाते हैं। हम अपने अफसरों को भी बताते होते हैं, मीडिया को भी बताते हैं कि हमने इतने पर्चे कर लिए हैं, हमने इतने मनशियात फरोश पकड़ लिए हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड उसका इम्पैक्ट उतना नहीं होता। उसका इम्पैक्ट तभी होगा जब हम जेन्युइन जो सेलर्स हैं, चाहे वो चर्स के हों, चाहे वो हेरोइन के हों, चाहे वो आइस के हों, उनको हम पकड़ें। ये तो हमारी एफर्ट्स हो गई, लेकिन ये तभी मुमकिन है, इसमें हमारी कामयाबी तभी मुमकिन है जब एबटाबाद के लोग हमारा साथ दें। और वो साथ मैं ये नहीं चाहता कि आप हमारे साथ गाड़ी में बैठ जाएं और उन पे रेड करें, मुझे ये साथ चाहिए कि अगर आपके गली मोहल्ले में कोई चर्स फरोख कर रहा है, या आइस फरोख कर रहा है, या शराब बेच रहा है, या हेरोइन बेच रहा है, तो आप हमें कम अज कम इन्फॉर्मेशन तो दे सकते हैं। अगर आप उस पर आंखें बंद करेंगे तो ये मैं आपको, ये मेरा फोरम और ये मेरी बात याद रखें, आज आपके बच्चे महफूज हैं लेकिन कल महफूज नहीं रहेंगे। आप लोगों ने इधर रहना है, आपसे पहले आपके अबाओ अजदाद इधर रहते आ रहे थे और आपके बाद आपकी आने वाली नस्लें इधर रह रही होंगी, वो इस पे इफेक्ट होंगी।
ये मामूली चीज नहीं है। ये आइस ने हमारी नौजवान नस्ल, हेरोइन ने हमारी नौजवान नस्ल का बेड़ा गर्क कर दिया। वो ज़हनी तौर पे मफलूज हो जाते हैं, वो उनको फिर माँ बहन किसी चीज का ख्याल नहीं होता, ये जो आइस पी रहे होते हैं। तो मेरी आप लोगों से इल्तिजा है और गुजारिश है कि हम एक बाशऊर सोसाइटी का सबूत इस तरह दें कि अगर आपके माशरे में, आपके गली मोहल्लों में कोई गलत काम हो रहा है तो उसकी आप निशानदही करें, आप उसका सोशल बायकॉट करें। जिस तरह अगर हमारी किसी के साथ दुश्मनी हो जाती है तो हम उसकी गमी खुशी में नहीं जाते। तो मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि अगर आपके मोहल्ले में गलत काम हो रहा है तो आप उसका सोशल बायकॉट करें। ये मेरे ख्याल में सबसे कमजोर डिग्री है हमारी ईमान की, कि हमारे सामने गलत काम हो रहा है हम उसको बिल्कुल ना रोक रहे हैं, ना उसकी मजम्मत कर रहे हैं, ना उसकी इतला दे रहे हैं। तो इससे हमारी सोसाइटी जो है वो बिगाड़ की तरफ जाती है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि जितने भी आप बैठे हुए हैं, आप अपने गली मोहल्लों में, अपनी मसाजिद में, ये आप लोगों की लाजमी तौर पर कमेटीज होंगी, आप लोगों की तंजीमें होंगी, उसके थ्रू आप ये मैसेज फैलाएं कि जो भी गलत काम आपके इर्द गिर्द हो रहा है तो आप उसको रिपोर्ट करें। और रिपोर्ट करने की भी हजार तरीके हैं। मैं ये नहीं चाहता कि आप लोगों की दुश्मनी बन जाए इलाकाई सतह पे। आप किसी की शिकायत करेंगे तो लाजमी तौर पे आपके सामने ही वो फिर आएंगे कि आपने मेरी शिकायत लगा दी है, आपने तो मेरे खिलाफ पर्चा कर दिया है, आपने तो मुझे बदनाम कर दिया है। तो आजकल तो बड़ा आसान सिस्टम है, सोशल मीडिया है, एक SMS कर दें, एक व्हाट्सएप कर दें, DSP को कर दें, SHO को कर दें, तो वो आपका मैसेज चला जाता है। लेकिन एक और चीज मैंने यहाँ पे बड़ी देखी हुई है कि यहाँ पे हेप्टाबाद में एक दूसरे की टांग खींचने वाले बहुत ज्यादा हैं माशाल्लाह से। ये जो हर जगह ये रस्म है, मैंने तो जो भी देखा है वो शिकायत बिल्कुल झूठ पे मबनी होती है। किसी के साथ उसके प्रॉपर्टी का मसला चल रहा होता है, किसी के साथ कोई रिश्ते का तनाजा होता है, किसी के साथ कोई रस्ते का तनाजा होता है, तो वो मुझे दरख्वास्त एनोनिमस एप्लीकेशन दे देता है या मुझे टेक्स्ट कर दे देता है कि ये तो शराब भी बेचता है और ये तो कब्जा माफिया है और ये तो फलाना है और ये तो ढिपकाना है। तो उस पर हमारा टाइम भी जाया हो जाता है, हम उसकी तफ्तीश करते हैं, फिर SHO को भगाते हैं, DSP से बात करते हैं, इंक्वायरी लगा देते हैं, और बाद में पता चलता है कि ये तो झूठ पे मबनी करते हैं। तो जेन्युइन इंफॉर्मेशन हो। दूसरी चीज जो एबटाबाद में, जिस तरह मैंने आप शुरू में कहा कि यहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज और जमीनों की कीमतें काफी ऊपर चली गई हैं, तो यहाँ पे मेरे ख्याल में 50-60% जो दरख्वास्तें मुझे मौसूल होती हैं या जो शिकायतें मुख्तलिफ फोरम से आती हैं वो प्रॉपर्टी की होती है कि ये मेरी जमीन पे कब्जा कर लिया है और ये रास्ता नहीं दे रहा है और ये उन्होंने मेरा गेट जो है वो काट दिया है और ये उन्होंने कब्जा कर लिया है और ये मैंने रेंट पे घर दिया हुआ था अब वो नहीं निकल रहा। और हमारे लोगों की, हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं उनके पास शायद नफरी की कमी होगी, उनकी स्ट्रेंथ कम होगी या वो सही तरीके पे काम नहीं कर रहे होंगे। तो हर एक बंदे को स्पीडी जस्टिस चाहिए होता है, वो हर एक बंदा आता है कि ये पुलिस मेरा काम जो है वो 5 मिनट में हल कर दे या मेरी जमीन पे जो कब्जा हुआ हुआ है वो मुझे पुलिस 5 मिनट में वागुजार करा दे और मुझे कब्जा दे दे। लेकिन पुलिस इस तरह अनफॉर्चुनेटली कर नहीं सकती है। उसकी मैं मिसालें हमेशा देता होता हूं ताकि आप लोगों को भी थोड़ी समझ आ जाए कि एक बंदे को आप रेंट पे कोई घर देते हैं और वो फिर निकल नहीं रहा होता तो पुलिस डायरेक्टली उधर नहीं जा सकती। इधर हमारे रेंटल कोड बने हुए हैं, रेंटल कोड आपको 24 घंटे में वो फैसला कर देते हैं। अगर आपके पास वाकई उसकी रजिस्ट्री हो, इंतकाल हो, आपने उसको जो रेंटल एग्रीमेंट किया हुआ हो आप उसके सामने पेश करते हैं तो वो आपके हक में फैसला कर देते हैं। तो पुलिस तभी जाएगी जब कोई कोर्ट डायरेक्शन होगी। अगर आप पुलिस से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो घरों में घुस के औरतों को भी निकालेगी और बच्चों को भी निकालेगी तो ये मुमकिन नहीं है। और ये मुमकिन इस वजह से भी नहीं है कि वो दूसरी पार्टी तो लाजमी जाएगी कि पुलिस ने हमारे चादर और चार दीवारी का वो खराब कर दिया है और पुलिस पैसे भी उठा के ले गई। अब लोग ये शिकायतें भी करते हैं कि पुलिस हमारे घर में घुस गई थी और पुलिस ने फलानी चीज उठाई है और धमकानी चीज उठाई है, तो फिर वो अलग से झमेले पुलिस को भुगतने पड़ते हैं। दूसरी चीज उसमें ये होती है कि जो हमारे कानून में कमजोरियां हैं उससे लोग फायदा उठाते हैं। एक बंदा, किसी 2-3 भाई होते हैं उनके, वो शरीक होते हैं मलकियत में, वो एक भाई बेच देता है, वो इंतकाल नहीं कराता, वो दूसरे पे जो बेच देता है वो फिर कब्जा चाहता है।
तो ये भी एक फ्रॉड है। अच्छा, कोई फिर एक वो जो उसको क्या कहते हैं, कौन सी जमीन होती है उसकी, शामलात में पूरे देह के हिस्सा होता है और सारों के नाम होते हैं, वो कोई एक साहब चले जाते हैं, वो पता नहीं पटवारी को साथ मिला लेते हैं या पुलिस वालों को मिला लेते हैं, वो चार दीवारी भी बना लेते हैं, वो फिर सारे उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो ये भी दोनों गैर कानूनी है, शामलात में तो सबका ऐसा होता है। वो फिर कोर्ट चले जाते हैं, उसमें स्टे ले लेते हैं, फिर वो लंबा चौड़ा चक्कर हो जाता है, फिर फायरिंग हो जाती है, फिर हाथापाई होती है, फिर लोग जख्मी हो जाते हैं, तो ये सारे इश्यूज उसमें बन जाते हैं। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी इस तरह के मामलात हों तो आप बेशक अपनी एप्लीकेशन बिल्कुल दे दिया करें, मुझे दिया करें, SHO को दे दें, SDPO को दे दें, लेकिन उससे बढ़ के हमारा एक दूसरा फोरम बना हुआ है DRC, वो बहुत ही अच्छा काम कर रही है। आपको पता होगा DRC का, DRC के मेरे ख्याल में 60-70% जो सिविल मैटर्स का बोझ है उसने पुलिस से भी उठा लिया हुआ है, पुलिस के कंधों से भी, लेकिन अदालतों पर भी उसका रश कम हो गया है। इधर मैं उस दिन सेशन जज साहब से जब मैं मिला तो उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ पे सिविल मैटर्स हजारों की तादाद में और हजारों की तादाद में पेंडेंसीज हैं, किसी का तकसीम पे कोई मसला होता है, जिस तरह मैंने कहा किसी का रास्ते पे कोई मसला होता है, किसी का रेंटल कोई मसला होता है, किसी का खरीद और फरोख्त में कोई ट्रांजेक्शन में कोई मसला होता है, तो इंशाल्लाह हम उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन आप लोग पुलिस को उसका जिम्मेदार ना बनाएं। अक्सर ये सोशल मीडिया पे दे देते हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं कि मैं तो पुलिस के पास गया था और पुलिस ने मुझे कब्जा नहीं दिलाया, तो पुलिस आपको कभी कब्जा नहीं दिलाएगी। पुलिस तभी उसमें इंटरफेयर करेगी जब उसमें कोई कोर्ट अदालती फैसले होंगे, जब अदालती डायरेक्शंस होंगी। अदालत अगर आपको स्टे ऑर्डर दे देती है तो पुलिस साथ जाएगी, बेलफ साथ होगी, पुलिस सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए जाएगी। पुलिस अगर आपको कोई डिग्री दे देती है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए बेलफ जाएगा, पुलिस साथ प्रोटेक्शन के लिए जाएगी। तो ये चंद चीजें हैं जिन पे हमारे समझने की जरूरत है और ये मसाइल यहाँ पे एबटाबाद में काफी ज्यादा हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ा इसकी आपको तफसील बताई। उसके अलावा ट्रैफिक के इधर मसाइल हैं, वो आप सबको पता है, चूंकि आबादी 10 गुना बढ़ गई है, रोड वही पुराने हैं, वही तंग रोड है, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह बन रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, हमारी तरफ से जितनी भी एफर्ट्स हैं वो आपके सामने हैं। यहाँ पे ट्रैफिक वार्डन जो नफरी है वो सारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस से गई हुई है, ये शायद आप लोगों के नोटिस में हो या ना हो, ट्रैफिक वार्डन की अपनी कोई सेंक्शन नफरी इधर ऑन ग्राउंड मौजूद नहीं है। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इससे पहले AG एस्टेब्लिशमेंट था तो हमने हजारा के लिए ट्रैफिक वार्डन की नफरी जो है वो सेंक्शन करा दिए, और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह अभी इस पे भर्ती भी शुरू हो जाएगी, अब कुछ दिनों में ईटा के थ्रू भर्ती होगी और फिर हमारी नफरी का मसला भी हल हो जाएगा। एबटाबाद की नफरी का आपको पता है कि मेरे ख्याल में मीरपुर थाने में कितनी होगी, 20-25 बंदा ही होगा, 28 बंदा है। तो आप खुद सोचे, इतने बड़े इलाके के लिए 28 बंदा कोई फोर्स नहीं है। जितनी आबादी है, जितना एरिया है, जितने जराइम हैं, जितने चैलेंजेस हैं, उसके लिए पुलिस की नफरी ना होने के बराबर है। उसके लिए हम अभी आज ही मैंने एक प्रपोजल बनाया हुआ है और लकीली CM साहब ने उसके अप्रूवल भी दे दिया, तो इंशाल्लाह वो लजीज एबटाबाद के लिए हम कोशिश करेंगे कि 500 से 1000 तक की नफरी मंजूर कराएं। मेरे पास अभी ऑपरेशनल नफरी, यानी अगर मैं आपको बताऊं, एबटाबाद की आबादी लास्ट सेंसिस में 17 लाख के करीब है मेरे ख्याल, और जो हमारे पास ऑपरेशनल, मेरे पास ऑपरेशनल नफरी, ऑपरेशनल नफरी से मुराद जो पेट्रोलिंग करती है, जो ताना जात में है, जो चौकियों में, वो 500 से भी कम है। तो आप खुद सोचें कि 17 लाख लोगों के लिए हमारे पास कितने बंदे, 500। ये जो बाकी हमारी नफरी है वो कुछ गारदात पे लगी हुई है, कुछ सेंसिटिव इंस्टॉलेशन पे लगी हुई है, कुछ अदालतों पे लगी हुई है, कुछ VIPs के साथ लगी हुई है। तो सिर्फ 17 लाख लोगों के लिए हमारे पास 500 नफरी है। तो एबटाबाद पुलिस लायक तहसीन है कि इतनी कम नफरी के बावजूद इतना अच्छा काम कर रही है और इतने बड़े बड़े चैलेंजेस का मुकाबला कर रही है। तो आपको क्रेडिट देना चाहिए एबटाबाद पुलिस को कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जराइम की शरह भी दूसरे जिलों की नस्बत कम है,
और हमारी जितनी परफॉर्मेंस है, मैंने तो एक महीने में देखा है, मुझे 22-23 दिन हुए कि जितने हमने पर्चे किए हैं, जितने हमने ये चोर डकैत उठाए हैं, जितने हम कार लिफ्टर के पीछे गए हैं, तो मेरे ख्याल में इनकी प्रोग्रेस किसी पुलिस से कम नहीं है, किसी भी जिले की पुलिस से कम नहीं है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि मजीद जो हमारी सर्विस डिलीवरी है, ताकि आप लोगों को क्लियर फर्क नजर आए कि एबटाबाद में ड्रग्स नहीं है, एबटाबाद में कब्जा माफिया नहीं है, एबटाबाद में मनशियात नहीं है, एबटाबाद में सूद नहीं है, एबटाबाद में फ्रॉड नहीं है। इस पर इंशाल्लाह वल अजीज हम मिलके कोशिश करेंगे, लेकिन एबटाबाद के लोगों की सपोर्ट हमें मिलनी चाहिए, जेन्युइन इंफॉर्मेशन हो और आप लोगों की यह भी सपोर्ट हो कि अगर हम किसी गलत बंदे के खिलाफ कार्रवाई करें तो आप हमारी सपोर्ट करें, बजाय इसके कि आप उसके साथ खड़े हो जाएं। ये मैंने अक्सर, ये मैं एबटाबाद की मिसाल नहीं दे रहा, ये तमाम अजला में इसी तरह होता है कि हम किसी मनशियात फरोश के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, किसी कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, तो वो पहले अहले इलाका को निकाल लेते हैं, कोई रोड बंद कर देता है, कोई प्रेस क्लब के सामने चला जाता है। कम से कम आप लोगों को ये देखना चाहिए कि ये बंदा है किस तरह का, उसका ट्रैक रिकॉर्ड किस तरह का है, आया ये सही बंदा है, आया इसने कोई सही काम किया है, कोई सोशल काम किया है। अगर उसने गलत काम किया तो उसको बिल्कुल सपोर्ट ना करें। देखें, ये मुआशरे में बिगाड़ तभी पैदा होता है जब आप गलत लोगों को सपोर्ट करते हैं, और ये मैं अपने पुलिस को भी कहता हूं, मैंने पुलिस को बिल्कुल क्लियर कट कहा हुआ है कि अगर मुझे पता चला कि एबटाबाद पुलिस का कोई बंदा, कोई भी हो, किसी भी रैंक का हो, वो अगर किसी भी गलत एलिमेंट के साथ मिला हुआ है, तो मैं उस पर भी पर्चा दूंगा, उसको भी माफ नहीं करूंगा, क्योंकि वो जो अकाउंटेबिलिटी है पहले अपनी गिरेबान से बंदा शुरू करे। मैं अगर सही हूंगा तो इंशाल्लाह अजीज मेरी कोशिश होगी कि मेरी फोर्स भी सही हो, अगर मैं खुद ही गलत हूं तो मैं फिर नीचे क्या बेहतरी लाऊंगा। तो इंशाल्लाह शुरू एबटाबाद पुलिस से करेंगे, कोई भी अगर उसमें क्रिमिनल एलिमेंट, नेगेटिव एलिमेंट होगा तो उसकी माफी तलाफी नहीं होगी, उसको उसी तरह मुजरमों की तरह कटेरे में खड़ा करेंगे इंशाल्लाह। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जो गलत चीजें हो रही हैं उसकी निशानदेही करें, चाहे आप मेरे थ्रू करें, कोई किसी अफसर के थ्रू करें, कोई और सोशल मीडिया का फोरम यूज करें, लेकिन उसकी निशानदेही करें और पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करें। पर्सनल क्रिटिसिज्म में कभी ना जाएं, किसी के जातियात पे अटैक ना करें। अगर हम गलत काम कर रहे हैं तो आप उसकी निशानदेही करें कि ये गलत काम हो रहा है, उधर गलत काम हो रहा है, इधर गलत काम हो रहा है। अगर हम जातियात में किसी के साथ गलत कर रहे हैं तो फिर बेशक आप उसको भी क्रिटिसाइज करें, लेकिन इंशाल्लाह अजीज किसी के साथ पर्सनल हमारी लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई है कब्जा माफिया के खिलाफ, हमारी लड़ाई है मनशियात फरोशों के खिलाफ, हमारी लड़ाई है चोरों के खिलाफ, हमारी लड़ाई है डकैतों के खिलाफ, शरीफ लोगों के खिलाफ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बड़ा पेशेंटली मुझे सुना, और आप लोगों की जो भी शिकायत हैं, ये कुली कचहरी, मैं हमेशा कहता हूं कि इसमें तारीफ है अपनी जगह, हम खुश होते हैं तारीफ से, लेकिन ज्यादा खुश तब होते हैं जब आप हमें किसी इशू की तरफ हमारी तवज्जो दिलाते हैं और हमें आप अपनी भी जो आपकी सजेशंस होती हैं वो हमें बताते हैं। तो मुझे खुशी तभी होगी कि जो जेन्युइन मसाइल हैं उसकी आप निशानदेही करें, और अगर उसके हल के लिए कोई आपके जहन में कोई सजेशन हो तो वो हमें बताएं। और एक रिक्वेस्ट ये भी है कि रिपीटिशन ना हो, अगर एक बंदा एक इशू की तरफ तवज्जो दिलाता है तो वो दूसरा फिर, क्योंकि उसे टाइम भी ज़ाया होता है और हमारी वैसे ही जो जेन्युइन इश्यूज हैं हम उसको हम डिस्कस करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के आने का, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, और आप लोगों की दुआएं भी चाहिए कि अल्लाह हमें अपने मिशन में कामयाब करे।